गुड मॉर्निंग आप सभी को स्वागत है। आप सभी का आज की पहली क्लास है हमारी। राजस्थान जीके की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। राजस्थान जीके की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं हम। आपके एसएससी पटवारी या अन्य राजस्थान से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स के लिए आप रोजाना सुबह हमारे साथ जुड़े। इसी वक्त 8:30 बजे से हम राजस्थान जी के आपको यहाँ पर पूरी संपूर्ण, जिसमें सभी कुछ शामिल होगा राजस्थान का, उसको पढ़ाएंगे। आ जाइए जल्दी जल्दी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे को सब शेयर करते जाएं ताकि सभी जुड़ जाएं। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। पहली क्लास है हमारी ये। गुड मॉर्निंग, आ जाइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आते जाइए। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास ताकि सभी जुड़ जाएं इससे। गुड मॉर्निंग। देखिए, राजस्थान अपने आप में एक शौर्य, वीर्य, साहस इसका शब्द है, ठीक है। राजस्थान शब्द को सुनते ही हमारे अंदर तेज औज की भावना पैदा हो जाती है। उसी राजस्थान के संपूर्ण जीके को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का भूगोल हम पढ़ने वाले हैं और राजस्थान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को आज की क्लास के माध्यम से आने वाली श्रृंखला में हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान जो है वो उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं, विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं, एशिया के संदर्भ में देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, ठीक है। विश्व का नक्शा आपको मालूम होगा, कई बार बताया है मैंने, विश्व है। इस विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान को देखा तो राजस्थान कहाँ आता है, देखिए ये राजस्थान आता है हमारा, राजस्थान हमारा आता है विश्व के संदर्भ में यहां पर, ठीक है। राजस्थान की स्थिति ये हो जाती है। अब अगर विश्व के संदर्भ में हम देखें राजस्थान कहाँ है, तो देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए इसके माध्यम से हम नहीं देखेंगे, हम भूमध्य रेखा की वजह से देखेंगे। भूमध्य रेखा इसको, विश्व को, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा यहां से निकलती है, ठीक है, यहां से निकलती है। और जो देशांतर रेखा है जो विश्व को दो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है वो यहां से निकलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। कहां है विश्व के संदर्भ में? राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है, ठीक है। जैसे भारत की स्थिति है वही स्थिति राजस्थान की विश्व के संदर्भ में, सिंपल है। इसके बाद हम एशिया के संदर्भ में देखते हैं, तो एशिया के संदर्भ में एशिया का नक्शा देखिए। एशिया का नक्शा कुछ इस तरीके से है, यहां से अरब शुरू होता है, अरब के बाद थोड़ा आगे जाकर के ये भारत आ जाता है और भारत के बाद ये चीन और इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह ये वाला क्षेत्र। तो एशिया के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ है एशिया को, अगर इस तरीके से बांटेंगे हम तो एशिया के हम आएंगे दक्षिण में। कहाँ आएंगे? एशिया के दक्षिण में आएंगे। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण में है, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। और अगर भारत के संदर्भ में हम देखते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के संदर्भ में हमारी स्थिति बनती है यहां पर। तो भारत के संदर्भ में हमारी स्थिति है उत्तर पश्चिम में। बात क्लियर है? बात क्लियर है? देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, विश्व के नक्शे के माध्यम से बता दिया, एशिया के नक्शे के माध्यम से बता दिया, विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां है वो है उत्तर पूर्व में, ठीक। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये ऐसे नहीं पूछा जाता है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां है, ये प्रश्न ऐसा आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण में है, इनमें से कौन सा गलत है, इस तरीके से इसको पूछा जाए। तो उसी दृष्टि से याद रखने के लिए
आपको मैंने ये बताया है, ठीक है। विश्व में उत्तर पूर्व में है, और विश्व के बाद एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसमें राजस्थान की स्थिति दक्षिण में है, ठीक है, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। ये तीन बातें आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इन तीनों बातों को आप याद रखेंगे। राजस्थान में, सॉरी, भारत में उत्तर पश्चिम, एशिया में दक्षिण, विश्व में उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति बनती है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। ये तो मैंने राजस्थान की स्थिति बतला दी आपको, इसके बाद देखते हैं हम कि भारत जो है उस भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, यानी कि ये सब जानते हो आप, ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन शुरुआत इसी से करनी पड़ती है हमको, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नंबर एक पर सबसे बड़ा राज्य है। और यह सबसे बड़ा राज्य बनने का दर्जा कब प्राप्त हुआ इसको, राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य बनने का दर्जा प्राप्त हुआ है 2000 को। कब हुआ? सन 2000, जब राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यों को दोबारा पुनर्गठित किया गया था, उस दौरान मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग कर दिया गया था जिसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था, तब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया, ठीक है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। ये बात आपको याद रखनी है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का सातवां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सातवां बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा कौन सा है? यू है। और राजस्थान सातवां राज्य कब बना जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा? वो बना था जून 2014 को। जून 2014 को ऐसा क्या हुआ गुरुजी? जून 2014 को क्या हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान देश का आठवां सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या के मामले में। अगर वर्तमान संदर्भ में पूछा जाएगा तो राजस्थान देश का सातवां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो आठवां बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और अगर वर्तमान संदर्भ में पूछा जाता है, वर्तमान संदर्भ में, तो वर्तमान संदर्भ में देश का सातवां बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। पहले कौन सा था सातवां? पहले आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दोनों मिलकर के देश का सातवां सबसे बड़ा राज्य बना हुआ था, ठीक है। उसका विभाजन हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना के अलग होते ही राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य, सातवां सबसे बड़ा राज्य बन गया जनसंख्या की दृष्टि से। ये बात भी आप याद कर लेना। अब थोड़ा से इतिहास में चलते हैं राजस्थान के, ठीक है। हम इसका अक्षांश, देशांतर वगैरह देख लेंगे बाद में, भूगोल थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे, पहले थोड़ी सी इतिहास के बारे में चलते हैं। देखिए, राजस्थान को महर्षि वाल्मीकि, आप सभी परिचित हैं इनसे, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को नाम दिया था मरुकांतर। क्या नाम दिया था? मरुकांतर। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा था? मरुकांतर नाम दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया राजस्थान के लिए, वो किया था जॉर्ज थॉमस। ये आयरिश विद्वान थे, आयरलैंड के थे। इन्होंने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। क्या नाम दिया था? राजपुताना। क्यों दिया था राजपुताना नाम? क्योंकि राजस्थान में उस समय, तेलंगाना अलग कब? जून 2014 को हुआ था अलग, ठीक है। राजपुताना नाम दिया था इसको क्योंकि राजस्थान में राजपूत शासक ज्यादा थे इस वजह से, ठीक है। इसके बाद राजपुताना नाम दिया गया, और फिर राजस्थान द्वितीय एक ग्रंथ था उसमें भी इसको
क्या नाम दिया गया था, राजपुताना नाम इसको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मोहनोत नैणसी ख्यात, ठीक है, मोहनोत नैणसी द्वारा रची हुई, और एक थी राजरूपक, ये दो ग्रंथ थे। इन दोनों ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, कौन कौन से थे, मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी ख्यात, ये मोहनोत नैणसी ने लिखी थी इसमें, और एक थी राजरूपक। राजरूपक किसने लिखी थी, वीरभाण ने लिखी थी, ठीक है, वीरभाण। इसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक है, उससे पहले भी राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग विक्रम संवत में किया गया था, विक्रम संवत कौन सा था, वो 682 विक्रम संवत, जो शिलालेख प्राप्त हुए थे सिरोही से, बसंतगढ़ सिरोही से, वहां भी राजस्थान आदित्य, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला था, ठीक है, इतनी बातें याद रह जाएगी। इसके बाद जो कर्नल जेम्स टोड को आप जानते हो, कर्नल जेम्स टोड से आप सब परिचित हो, इन्होंने राजस्थान के बारे में, राजस्थान का इतिहास लिखा है इन्होंने, कर्नल जेम्स टोड बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का किया था अपनी पुस्तक में, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, इनकी पुस्तक जो थी वो इन्होंने लिखी थी इंग्लैंड में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के, ठीक है ना, भारत में इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, राजस्थान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। एक पुस्तक और थी इनकी, वो भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, वो भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो उस पुस्तक को भी आप भूलेंगे नहीं, उस पुस्तक का नाम भी आप याद रख लेंगे। उस पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें थी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जो जॉर्ज थॉमस था उसने 1800 में वो बात कही थी, राजपुताना शब्द का जो प्रयोग किया था 1800 में किया था, इसने किया था 1826 में, 1826 में, सॉरी 1829 में, ठीक है, 1829 में इसने सबसे पहले प्रयोग किया था किसका, राजस्थान शब्द का, राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन इन सब के बाद इसको क्या है, राजस्थान के मध्य पश्चिम मध्य जो राज्य थे उनका चीफ कमिश्नर बना रखा था इसको, ठीक है ना, इसको बना रखा था कर्नल जेम्स टोड को, इनकी जिम्मेदारी दी गई थी, तो इसने जो है यहीं पर काफी कार्य किए, काफी रिसर्च के काम किए इन्होंने यहाँ पर, और लोगों को देखा, लोगों की सभ्यताओं को देखा, फिर उसको अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा था, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड हो गया। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ। देखिए राजस्थान जो है भारत के साथ आजाद हो गया था 1947 में, ठीक है, कुछ रियासतें थी, हाँ राजस्थान की पता करना, ठीक है, कुछ रियासतें थी उनको छोड़कर के राजस्थान, भारत देश पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों से आजाद हो गया था। लेकिन आजाद होते ही भारत का विभाजन हो गया था, भारत तीन टुकड़ों में टूट गया था, ठीक है, पहला भारत बचा था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, इस तरीके से भारत का विभाजन हो गया था। तो जो भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से वर्तमान भारत है उस तरीके का वर्तमान भारत नहीं था, वो वहां राजस्थान, भारत में बहुत सारी रियासतें थी, क्योंकि रजवाड़े थे, राजाओं का शासन था, छोटे मोटे राजा थे, उन सभी का शासन था, उनको एकीकरण करना था, इंपॉर्टेंट, उनका एकीकरण यानी कि उन सभी को एक साथ करके भारत का निर्माण करना था। तो उस निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसको दी गई थी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के और भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, आधिकारिक रूप से राजस्थान को 1950 में, 26 जनवरी 1950 में राजस्थान नाम दे दिया गया था, ये बात आप लास्ट में लिख लेना आधिकारिक रूप से। ठीक है, 525 रियासतें थी भाई, ठीक है, 565 थी, 625 नहीं। भारत में कुल कितनी रियासत थी जब भारत आजाद हुआ? तब थी 565 रियासतें। कितनी? 565 रियासतें थी भारत के अंदर, जिसमें से 562 रियासतों को मिला लिया गया था। ठीक है, भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। भारत में 565 रियासतें थी, जिसमें से 562 रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया था, वो मान गई थी भारत में मिलने को। लेकिन रियासतें थी कश्मीर, जिसपे आज भी विवाद चलता हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीन रियासतें थी, जूनागढ़ गुजरात, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन रियासतों ने राजस्थान में विलय, सॉरी भारत में विलय होने से मना कर दिया, ये भारत में नहीं मिली। काफी कोशिशों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी तोड़ मेहनत करी और इनको साम दाम दंड भेद जिस तरीके से भारत में मिलाना चाहा उस तरीके से भारत में मिलाने की कोशिश की, बाद में ये भी मिल गई थी। ठीक है, हैदराबाद आपको पता है कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, अभी तेलंगाना में फिलहाल, कश्मीर आप सभी जानते हो, जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है, ये 562 रियासतें मिल गई, भारत में कुल कितनी थी? 565 रियासतें। इसी तरीके से राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं, अच्छा इसके सचिव वगैरह देख लेते हैं पहले। जो भारत के एकीकरण का जो संघ बनाया गया था, ठीक है, एकीकरण का रियासत विभाग था, उसमें क्या था, उसका जो सचिव है, सचिव किसको बनाया गया था? देखिए पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षा में नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सचिव था इसका वीपी मेनन। वीपी मेनन मेनन को क्या बनाया गया था? सचिव। और रियासत कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, एकता दिवस मनाया जाता है इनके नाम पर, और भारत में नहीं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी इनकी बनी है अभी, वो आप सभी को मालूम होगा, अध्यक्ष इनको बनाया गया है, सचिव ये बने थे। ठीक है, इनको सरदार नाम दिया गया था, वो गुजरात की एक बारदोली जगह है गुजरात में, वहां की कुछ महिलाओं द्वारा इनको नाम दिया गया था। ठीक है, वो अपन देख लेंगे फिर क्या था उसमें, सचिव ये था। और इसकी जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी कश्मीर में। ठीक है, रियासत जो थी, रियासत विभाग, इसकी बैठक कहाँ हुई थी? इसकी बैठक हुई थी कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये बातें आप याद रख लेना इसमें। फिर इसके अंदर हम राजस्थान को लेके आते हैं, राजस्थान में देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको आज याद करा दूंगा राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का जो भूगोल है, भूगोल वाला पार्ट अगली कक्षा में हम देख लेंगे, जो अक्षांश देशांतर वगैरह है, लंबाई चौड़ाई वगैरह जो सब सब कुछ हम देख लेंगे अगली कक्षा में, फिलहाल इसमें देखते हैं हम। ठीक है, राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान जब आजाद हुआ था उस समय राजस्थान के अंदर 19 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 19 देशी रियासतें, रियासत। ठीक है, और तीन ठिकाने थे, ठिकाने रियासतों से छोटे होते हैं, और इसके अलावा एक चीफ कमिश्नर द्वारा अधिशासित क्षेत्र था। ठीक है, चीफ कमिश्नर द्वारा अधिशासित क्षेत्र था। ठीक है, 19 देशी रियासतें थी, तीन ठिकाने थे, एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र था। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण को शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, आप कभी नहीं भूलोगे इस क्लास को। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, तो एकीकरण के ए से पकड़ लो, एटली, क्या नाम है? एटली। तो जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था उस समय, जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? ब्रिटेन का
प्रधानमंत्री पीएम कौन था भाई, एटली। ठीक है, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। जब भारत का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एकीकरण से ए पकड़ लो, ऐसे एटली। ठीक है, इसके बाद जब भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होते ही भारत का बंटवारा हो गया था, यह भी आपको पता है, भारत का बंटवारा हो गया था। तो बंटवारे से आप याद रखना बेटन, क्या याद रखोगे, बेटन। तो लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, ये भारत का उस समय क्या था, वायसराय था, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। भारत का क्या है, बंटवारा हो गया था जब भारत आजाद हुआ था, उसी समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में, मैंने आपको बताया था 19 रियासतें थी देसी, 3 ठिकाने थे और 1 चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित प्रदेश था। ठीक है, जो भारत के बीचों बीच में था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, तीने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। अब देखिए, आपको बहुत आसान बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल भी याद करने के लिए जरूरत नहीं है। मैं आपको जो पढ़ाता हूं वो नक्शे के माध्यम से पढ़ाता हूं, बगैर नक्शे के हमारे कुछ काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है, आपको ना रटने की जरूरत है ना याद करने की जरूरत है, बस दिमाग की खोपड़ी में समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, ये राजस्थान में बना देता हूं यहां पर, समझ लेना। जैसा नक्शा बने वैसा ही आप इसको समझ लेना। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके का हमारा कुछ राजस्थान है। अब देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, यहां पे कौन है, दिल्ली, कौन है यहां पे, दिल्ली है, इधर ही, इधर ही है ना भाई दिल्ली। अब देखिए, यहां पे अगर दिल्ली है तो राजस्थान का एकीकरण करने वाले कहां से आएंगे, दिल्ली से ही तो आएंगे भाई। ठीक है ना, तो दिल्ली से एकीकरण करते करते तो सबसे पहले कहां आएंगे, इस वाले क्षेत्र में आएंगे, सही बात है ना, सबसे पहले यही तो टकराएंगे कि इधर आएंगे डायरेक्ट, सबसे पहले यहां आएंगे। तो इसको कहा जाता था मत्स्य प्रदेश, क्या बोलते थे इसको, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। लेकिन ये दिल्ली से लोग आए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जखीरा आया पूरा, उनकी गैंग आई पूरी, और उन्होंने इस प्रदेश का एकीकरण करके इसको नाम क्या दे दिया, मत्स्य संघ। बोलो, समझ में आ जाएगी बात, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो सबसे पहले इधर से हुआ, क्योंकि दिल्ली के नजदीक सबसे पहले यही है, तो इधर से सबसे पहले शुरू किया, फिर आए यहां पर, इस क्षेत्र को पकड़ा। ठीक है, यानी कि पूर्व, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, इसको पकड़ लिया, फिर इसके बाद ये आए इधर, इसको पकड़ लिया, फिर इसके बाद ये आए पश्चिम में, यहां इसको पकड़ लिया, फिर इसके बाद ये चले गए यहां पर वापस इसी में, और फिर बीच में आ गए। इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण खत्म। बोलो, समझ में आया क्या, बोलो, बात समझ में आ गई क्या। देखिए, राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है यहां से, यहां से इधर चलो, फिर इधर चलो, फिर इधर चलो, फिर इधर चलो, फिर बीच में आ जाओ, राजस्थान का एकीकरण फिनिश। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वंडरफुल। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, यहां से शुरू हुआ, इसको मत्स्य संघ दे दिया गया, फिर मत्स्य संघ में ये राजस्थान की ये इतने जितने भी यहाँ पे जिले हैं, रियासतें हैं, उन सभी को शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये पूर्व में है राजस्थान के, तो इसको पूर्व राजस्थान संघ नाम दे दिया गया, पूर्व राजस्थान संघ नाम दे दिया गया। फिर इसमें इसको मिला लिया गया, संयुक्त राजस्थान संघ नाम दे दिया गया। ठीक है, उदयपुर को मिला लिया गया इसमें, फिर इसको मिला लिया गया। ये देश का, राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया था। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया था, हालांकि जिले चार ही थे इसमें, रियासतें चार ही थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो बड़ी बड़ी रियासतें ये थी। तो इसके बाद ये बड़ा क्षेत्र था, तो इसको वृहद राजस्थान नाम दे दिया गया। बड़े को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वृहदी तो बोलते हैं ना भाई, वृहद राजस्थान नाम दे दिया गया। फिर इसके बाद इसमें इसको मिला लिया गया, मत्स्य संघ को, फिर इसको संयुक्त बृहद राजस्थान नाम दे दिया गया, जब ये मिल गया इसमें।
क्या नाम दे दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दे दिया गया, और फिर इसके बाद अजमेर मेरवाड़ा को भी इसमें मिला लिया गया, फिर राजस्थान बन गया पूरा। बोलो बात समझ में आ गई, सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग कॉलेज ओपन हो गया, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैं इसको नक्शे को मिटा देता हूं, अब हम थोड़ा सा दूसरी तरीके से समझ लेते हैं ट्रिकों के माध्यम से, ठीक है। बहुत आसान आसान ट्रिक है, उस ट्रिकों के माध्यम से आपको मैं आज ही याद करा दूंगा इसको, ठीक है, आज ही आपको याद करा दूंगा अच्छी तरीके से। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब हो गया, ये सब आप याद कर लेना, बहुत आसान चीज है। एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय जब भारत का राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब शादी होती है तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, लाडा लाडी दूल्हा दुल्हन होते हैं, तो वो कितने फेरे लेने के बाद एक होते हैं बताइए, कितने फेरे लेने के बाद एक होते हैं। कल से हम भी अटेंड करेंगे, आज से कर लो, आज अटेंड कर ले। देखिए कितने फेरे लेने के बाद एक होते हैं, सात। तो एक होने का मतलब क्या है, एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण, क्या राजस्थान का एकीकरण हुआ सात चरणों में। बोलो बात समझ में आ रही है, एक कब होते हैं, सात फेरे लेने के बाद। तो राजस्थान में भी इस तरीके से अभी फेरे बताया था ना मैं, ये फेरे पड़ रहे थे, ठीक है, कितने फेरे पड़े, सात फेरे पड़े, सात फेरे पड़ने के बाद राजस्थान क्या हो गया, एकीकरण हो गया, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ भाई, सात चरणों में, ठीक है, सात चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। अब देखिए सात चरणों को याद रखने की एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। अभी मैंने आपको थोड़े से नाम बताए थे, वो नाम शायद आपके रिमेम्बर हो जाएंगे, वापस से याद हो जाएंगे। अब देखिए राजस्थान के उन सात चरणों को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत एक आदेश आधे लाइन की मीनिंग है, उसको आप देखिए याद रख लेगा। एक कोई बस थी, बस चली थी एमपी से और आ गई कहां पर, वो राजस्थान में, कहां आ गई, राजस्थान में। तो सातों चरणों को याद रखने की ट्रिक क्या है, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, ठीक है, याद रख लेंगे। कहां से आई थी बस, एमपी से, दुल्हन का मुंह देखने चलो सर, ठीक है, एमपी से बस कहां आई, राजस्थान में, एमपी से बस कहां आई, राजस्थान में, एमपी से बस कहां आई, राजस्थान में, एमपी से बस राजस्थान में आई। बस इतनी सी चीजों को आप याद कर लीजिए, सातों चरण याद, ठीक है, सातों चरण याद। अब देखिए यहां लिख देता हूं मैं इसको, एम पी एक नंबर, दो नंबर से लिख देता हूं तीन नंबर, बस से ब लिख देता हूं चार नंबर, से लिख देता हूं बस वाला से, ठीक है, पांच नंबर, और राजस्थान छह नंबर, राजस्थान का राजस्थान लिख देंगे, फिर उसके बाद छह के बाद एक बार फिर से राजस्थान लिख दीजिए, तो सातों चरण आपके पूरे हो जाते हैं। अब देखिए एम से हो जाएगा क्या, मत्स्य संघ, ठीक है, हो जाएगा एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बै से बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान राजस्थान संघ, फिर से ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ठीक है, बृहद संयुक्त, से क्या हो जाएगा, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, और फिर राजस्थान और राजस्थान। बोले याद हो जाएगा, सर आज इतनी जल्दी क्लास चालू हो गई, हाँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, रोजाना चालू होगी अब, ठीक है, रोजाना आपकी 8:30 बजे चालू हो जाएगी, सर्दी में अच्छी सर्दी पड़ेगी अभी, तो आराम से रजाई के अंदर बैठे बैठे देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखिए एमपी से बस राजस्थान आई, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, वैसे बृहद राजस्थान, से संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान राजस्थान हो जाएगी याद, राजस्थान राजस्थान याद हो जाएगा, राजस्थान का एकीकरण याद हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए, हो जाएगा भाई याद। अब देखिए और ट्रिक है अभी मेरे पास, ट्रिकों का, ठीक
ठीक है, आपको याद करवाने के लिए ट्रिकों का मेरे पास भंडार है, आप इसको लिख लीजिए, लिखने में बिजी है शायद, है ना। चलिए आपको याद हो गया। अब देखिए ये तो है सात चरणों की ट्रिक, सात चरणों की ट्रिक, सात चरणों को याद करने की ट्रिक। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, अब बात कहां अटकती है, अब बात यह अटकती है कि राजस्थान के सात चरण तो हो गए, अब इन चरणों का निर्माण कब कब हुआ, कब कब ये चरण बने, तो इनकी डेट भी तो होगी भाई, है ना भाई। सर सही समझ में आ रही है, हाँ अच्छी बात है, समझ समझ में आनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है, समझाने के लिए तो आया हूं मैं। देखिए अब सात चरणों की डेट भी तो याद होनी चाहिए भाई, अब डेट याद नहीं होती तो डेट को याद करनी है, जैसे आप किसी के मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, मोबाइल नंबर एक बार में चिट्ठी पे लिख के दे देते हैं तो वो हमेशा याद रह जाता है आपको, रहते हैं ना भाई, तो ये मोबाइल नंबर उसी के समझना, किसके, उसी के, ठीक है ना, किसके है ये मोबाइल नंबर, उसी के, ठीक है ना, किसके है, उसी के है मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूं आपको, मोबाइल नंबर मैं आपको याद करा रहा हूं, मोबाइल नंबर याद कर लेना आप, मोबाइल नंबर अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, इस मोबाइल नंबर को भूलना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उसी के मोबाइल नंबर है। कितने मोबाइल नंबर है देखिए, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, याद आ जाएगा, थोड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, उसी के हैं, किसके, उसी के, उसी के मोबाइल नंबर है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, हाँ 18, 15 नहीं रहे भाई, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मोबाइल नंबर याद नहीं है इसको, ठीक है, मोबाइल नंबर याद नहीं है, आधार कार्ड नंबर है क्या, आधार कार्ड नंबर नहीं है भाई, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, उसी के मोबाइल नंबर है, याद रखना, अगर खो गए तो फिर तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। किसके नंबर है ये, उसी के, जिसको जिसकी आपको तलाश है, किसकी तलाश है हमको, राजस्थान के एकीकरण के जो संघ हुए हैं उन संघों की डेट की तलाश है हमको, तो उनके नंबर है, देखिए कितने नंबर है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, हो जाएगा याद, हो जाएगा याद, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, याद हो जाएगा, अरे बाबा, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, ये 18, इसके सामने 25, ये 18, ये 30, ये 15, ये 26 और ये 1, लिख दिया 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ऐसे कैसे लिखते हैं मैं, एज टू एज, जैसे आपको नंबर याद हुए हैं वैसे के वैसे आपको मैंने नंबर लिख दिए हैं, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, दो चार बार याद कर लो, याद हो जाएगा बिल्कुल। प्रणाम भाई जी, तू मीणा जी आए हैं हमारे साथ, साथ ही स्टूडेंट है हमारे से, सीनियर आदमी है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, याद हो गया, सभी को याद हो गया भाई, सभी को याद हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद भी चक्कर पड़ता है, ये क्या है, तारीख है, ठीक है, डेट, राजस्थान के एकीकरण की डेट है। अब देखिए अब क्या है, अब क्या है गुरुजी, अब महीने भी तो होंगे भाई, कौन कौन से महीने में ये हुआ, तो महीनों को याद करने की भी एक ट्रिक है। आपने बचपन में वो मंजन किया है, वो वाला हमने तो किया है भाई, हमारे जमाने में तो वही चलता था, बचपन में जब हम थे तो वो चलता था, हमारे कोलगेट आता था डिब्बा चौड़ा सा, उसमें पाउडर आता था, पाउडर, ठीक है, उसमें कौन सा पाउडर आता था, वो पाउडर सफेद सफेद सा पाउडर आता था, उसको उंगली में लेकर रगड़ते थे ऐसे, ब्रश व्रश नहीं थे, ठीक है, अभी भी आता होगा शायद, अब तो बाजार में नहीं मिलता, अब तो टूथपेस्ट आने लग गया, ठीक है, अब तो टूथपेस्ट जहां जहां मिलेगा, बबूल आ गया और वो आ गया, आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरीके से आने लग गया आजकल तो, पता नहीं कौन कौन से, तो तमाम तरीके के आने लग गए, लेकिन पहले पाउडर आता था, कोलगेट का ही चलता था, उस पर दांत का निशान आता था, तो उसको बोलते थे मंजन, क्या बोलते थे, मंजन। इस तरीके से लाल मंजन भी आजकल आपकी दादी अम्मा सब रात को करते होंगे, इधर उधर मोहल्ले की चार पांच औरतें बैठ के घिसती रहती है दांतों को, होता ना उसमें तंबाकू आता, थोड़ा सा नशा भी आता है उसमें, तो उसी को आप याद करना, मामा अम्मा मंजन करो, अम्मी नहीं रे अम्मा, हाँ ट्रिक याद है आपको, काला मंजन हो रहा था, हाँ काला मंजन तो कोयले को तोड़ के कर लेते थे, ठीक है, काला मंजन भी आता था। तो देखिए महीनों को याद करने की ट्रिक, महीनों को याद करने की ट्रिक,
महीनों को याद करने की ट्रिक क्या है? मामा अम्मा मंजन करो, क्या है? मामा अम्मा मंजन करो, कौन करो? मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। आप बहुत पुराने हो मतलब से। हाँ बहुत पुराने का मतलब मैं पुराने ढंग से जीवन यापन करता हूं अभी भी, ठीक है, परंपरागत तरीके से। तो देखिए मामा अम्मा क्या करो भाई? मंजन करो। बच्चा कह रहा है हम तो देखिए, हाँ पड़ोसी करते हैं, देखिए हम तो क्या है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ हम जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं मैं, तो सरकारी स्कूल में रोजाना चेक करते थे भाई हाथ के नाखून कटे हुए, दांत माच के आया नहीं आया, तो हम क्या है दांत माच के जाते नहीं थे, हाँ कर देते हैं, हाँ सर दांत माच के आए, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पे घर वाले बोलते थे मंजन करके जाए, हम उल्टे उनको बोलते थे कि अम्मा तुम मंजन करो, मामा तुम मंजन करो। तो इसी तरीके से ट्रिक है, मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। तो इसी से हमारी ट्रिक बनती है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है। करो से कुछ भी नहीं है इसलिए करो नहीं लिखा मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से, ठीक है, इनको जोड़ने के लिए। देख मामा से, माँ से क्या हो गया? मार्च। फिर दूसरे माह से मार्च, ऐसे क्या हुआ? अप्रैल, ठीक है। फिर माह से क्या हुआ? मार्च। फिर मई से क्या हुआ? मई। फिर जैसे क्या हुआ? जनवरी। फिर न से क्या हुआ? नवंबर। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, मामा और अम्मा दोनों कहते हैं क्या सर? ठीक है, याद हो जाएगा भाई, मामा अम्मा मंजन करो। माँ से मार्च, माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, फिर माँ से मार्च, फिर मई से मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर। याद हो जाएगा, सिंपल है। मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। सर स्कूल की याद मत दिलाओ, ठीक है। मामा अम्मा क्या करो? मंजन कर लिए, मंजन। अब देखिए, अब सन भी तो याद करने भाई हमको, तो सन याद करने के लिए आसान, बहुत आसान चीज है, तीन के बाद क्या आता है? दो। नहीं, तीन से पहले आता है दो, ठीक है। तीन से पहले क्या आता है? दो। दो से पहले क्या आता है? एक। और एक से पहले भी एक ही मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये याद करने हैं। यहां लिख देना आप 1948, क्या लिख देना है? 1948। कितनी बार लिखना है? तीन बार। 1948, 1948, 1948, ठीक है। फिर उसके बाद दो बार क्या लिखना है? एक साल और आगे बढ़ा दो इसको, 1949, 1949। फिर एक-एक बार क्या लिखना है? 1950 और 1956। ये दोनों तारीखें तो आपको याद होगी मेरे ख्याल से, है ना भाई? ये दोनों तारीखें तो आपको याद है ना, ये दोनों तारीख तो आपको याद, मुझे जहां तक उम्मीद है ये दोनों तारीखें आपको याद है। 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हुआ था इस दिन से, ठीक है। और 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। ये सब याद है ना आपको? ये सब तो याद, ये दोनों तारीख तो याद है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को याद रखो। तीन बार 48 लिखना है, दो बार 49 लिखना है, 49 लिखना है, ठीक है, ठीक है भाई। तीन बार 48 लिखना है और दो बार 49 लिखना है, आपके डेट तारीख वारीख सब खत्म। तो ये राजस्थान का यहाँ पे एकीकरण हो गया भाई, हो गया? हाँ सर याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब भी ट्रिकों का खजाना है हमारे पास, बहुत सारी ट्रिक है अभी बाकी है। अभी राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं हुआ, अभी तो हम तारीख तक आए हैं, अभी तो हमने एक को भी नहीं मिलाया, अब मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का जब एकीकरण शुरू होगा, राजस्थान का एकीकरण जब शुरू होगा तो देखिए यहां पर सबसे पहले मत्स्य संघ बनेगा, और मत्स्य संघ के जो रियासतें हैं उन, अरे राजस्थान 30 मार्च को, अभी मैं बताऊंगा इस पे आ रहा हूं, 30 मार्च ही आ रहा है, अभी आ रहा हूं मैं इस पे, ठीक है। देखिए राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे पहले मत्स्य संघ बना था, और मत्स्य संघ में देखिए, मत्स्य संघ में क्या है? मत्स्य संघ में जो चार रियासतें सबसे पहले मिली थी, चार रियासतें सबसे पहले मिली थी, उन सबकी ट्रिक भी आपको, उन सबको याद करने की ट्रिक भी आपको याद होगी, ABCD। क्या है? ABCD, बहुत आसान है। क्या है ABCD? बहुत आसान है। ए से क्या है? अलवर। बी से क्या है? भरतपुर। सी से क्या है? करौली।
डी से क्या है, धौलपुर, क्या है धौलपुर, याद हो जाएगा ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, याद हो जाएगा। अगर ऐसे याद नहीं हो आपको तो मैंने आपको इमेजिनेशन बना दी मैंने आपकी, आपके दिमाग में वो नक्शा रहना चाहिए, सबसे पहले कहाँ हुआ था तो उसके आसपास के राज्य देख लेना आप। अगर ये याद नहीं हो तो बाढ़ में जान दो इनको, अगर ये ए बी सी डी याद नहीं और आपको अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली याद है, उनका नक्शा याद करिए, सबसे पहले किधर से हुआ था, सबसे पहले किधर हुआ था, सबसे पहले हुआ था पूरब में, उत्तर पूरब में, तो उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, उत्तर पूर्वी, दिल्ली के पास वाले राज्य, अलवर पास वाले राज्य, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेना इसको। फिर देखिए ये पूर्व राजस्थान संघ, इसमें सतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेना इसको। फिर देखिए ये पूर्व राजस्थान संघ, इसमें सबसे ज्यादा 8 रियासतें मिली थी। उससे पहले एक चीज और याद रख लेना आप, उससे पहले एक चीज ये याद रखना आप कि जो तीन ठिकाने की बात करी थी हमने, ये तीन ठिकाने कौन कौन से हैं, इन तीन ठिकानों को याद कर लेना आप, ठीक है। देखिए ठिकाने जो होते हैं वो रियासतों, तीन ठिकानों को याद कर लेना आप, ठीक है। देखिए ठिकाने जो होते हैं वो रियासतों से छोटे होते हैं, ठीक है, ठिकाने जो होते हैं वो रियासतों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इनको याद करने की एक ट्रिक है नकुल, क्या है, इस नाम को याद रख लेना आप, नकुल। मैं इतना जानता नहीं हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पांडवों में सबसे छोटा कौन था, नकुल था, सही कह रहा हूं मैं, पांडवों में सबसे छोटा कौन था, नकुल। तो ये रियासतें से छोटे होते हैं ठिकाने, तो नकुल आप याद, टोंक भी इसमें मिल जाएगा। क्या हुआ, वीडियो पॉज हो गई, चलिए ठीक है। कुशलगढ़, लावा, अब देखिए अलवर इसमें मिल गया, तो अलवर के साथ नीमराणा ठिकाना भी इसमें मिल गया,